आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन, वेलकम गाइस, वेलकम। पूरी सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी उठा लाए हैं सारे के सारे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बॉम्बे में बचाए बच्ची को। भाई साहब कितने सारे फ्रूट आ गए, स्ट्रॉबेरीज, पपीता, कीवी, इतने सारे, पाइनएप्पल। भाई इतने कम क्यों ले गए, ये तुम खाते नहीं हो ना। अरे भाई जूस बनता है इससे क्या, पागल वागल है क्या? देखो ये तो भेजा था मेन लेने के लिए। अरे भाई वो देख कट्टा लेकर आया उधर पड़ा कट्टा। अच्छा मौसमी कट्टा, ये वाला ऑरेंज वाला बोला था मैंने लाने को यार। मौसमी का ज्यादा अच्छा होता है भाई, ये चीज बहुत खराब होता है। और क्या सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे, ये पेटी कौन सा, ब्लैक या ग्रीन? ब्लैक, वेरी गुड। और ये एप्पल। चलो भाई हमारी फ्रूट्स की अच्छी खासी हो गई। अच्छा दोस्तों आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो दिन में सुबह तो जा नहीं सकते कि पापा चल जा चुके हैं ऑफिस, ना कुछ प्लान कर सकते हैं, मम्मी को अकेले तो कहाँ ही लेके जाए। तो अभी ना मम्मी के लिए हम लोगों ने गिफ्ट वगैरह ला के रख लिए हैं। आंटी ने स्पेशली साड़ी और पता नहीं क्या क्या बनवा के रखा था, आंटी लेकर आई थी ना, वो क्या क्या चाहिए था मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी की चीज है ना, आंटी को पता थी सारी उनको क्या क्या चाहिए, तो वो सब ला के रख रखी है हमने। ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है, आंटी ने बोला था कि जब वो हो ना क्या बोलते हैं एनिवर्सरी तभी देना, तो आज देंगे। तो पापा के लिए तो कुछ लाया नहीं, तो मैंने मम्मी को भेजा है कि पापा के लिए शॉपिंग करके आओ, पापा के लिए गिफ्ट लेके आओ, एनिवर्सरी आप लोग की। तो मम्मी गई पापा के लिए शॉपिंग करने के लिए। मम्मी को पता है यार पूरा साइज वगैरह सब कुछ। 25th है क्या? क्या 25th है? एनिवर्सरी 25th नहीं, ज्यादा हो गई। और अभी पता है मैं और टीपू भाई दोनों साथ में जा रहे हैं आज पहली बार हेयर कट कराने संजीव भाई के पास। सही बात तो ये है, टीपू भाई आज जा रहे हैं डेट पे प्राची के साथ, आज स्लैप डे, तो आज ही डेट, आज का ही दिन मिला इनको जाने का। गाइस वैलेंटाइन हमारे लिए डेली का है, मतलब डेली जब चाहो जब वैलेंटाइन मनाओ, जब आपका पैसा हो, जब आपके पास पैसा हो। तो कल मैंने ऐसे पैसा कमाया, कल यहाँ पे काम करा, आज पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, हैप्पी वैलेंटाइन। गाइस हमारे संदीप भैया का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। भैया का टारगेट है बहुत लंबा बड़ा चैनल बनाने का, हेयर स्टाइलिस्ट बाय संजीव। हाँ मतलब हम लोग गाइस अपन लोग का क्या करना है, इंडिया का सबसे बड़ा चैनल बनाना हेयर स्टाइलिंग का, तो आप लोग साथ देना पूरा का पूरा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब जरूर करना, उनके सारे वीडियो देखना। आई लव यू, थैंक यू, ये थैंक यू। अब रेडी भाई वैलेंटाइन डेट के लिए, स्मार्ट बॉय टीपू भाई देखो पतले लगे लगे अब हेयर कट कराते। संजीव भाई डेट के लिए रेडी है? यस बिल्कुल, आज वैलेंटाइन डे कल था लेकिन आज इसका वैलेंटाइन डे, स्लैप डे आज। संजीव का चैनल जरूर से सब्सक्राइब करना है आप सभी को। हेयर बाय संजीव, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके संजीव, यो मिलते हैं, बाय 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 बाय। भाई टीपू रेडी वेडी हुआ, नहाया धोया आज 4-5 दिन बाद, किसके लिए? वैलेंटाइन डेट के लिए, और वो वर्क पे चली गई। ऐसा ही है, अब कहीं नहीं जा रहा। मेरे कहने का मतलब शाम को आ रहे ना। अरे तू कहीं जा ही नहीं रहा, कुछ ही नहीं जाने का। मुझे लगा ऐसे बाय बाय करने का जा रहे हैं। नहीं 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 भाई, नचे पता करने लग गया यार। कल तुम जो लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी ना, तो कल थोड़ी ज्यादा हो गई। देखा ना मेकअप्स, अरे साफ मत करो, नहीं होगा साफ। एक्टिंग करना एक बार। उट डन गाइस, चलते हैं फटाफट से। केक का है, केक रखा था ना अपन ने। चलो केक है, अभी ना चॉकलेट्स लेनी है मम्मी के लिए। अरे मम्मी के गिफ्ट्स कहाँ पर रखे हैं? तेरी मम्मी के पास? चलो ठीक है, वो भी लेने वहाँ से। उठाया नहीं मतलब? नहीं आंटी ने दिए ही नहीं, बोले जिस दिन एनिवर्सरी उस दिन दूंगी, तुम खराब कर दोगे। जिम जाते हुए नींद आने लग जाती। तेरे को कब नींद नहीं आती बताइए? दिन में तू पड़ जाता 2 मिनट, तेरे को शांति छोड़ दो। तो एनिवर्सरी मम्मी को कपड़े देने जा रहा हूँ धुलने के। अभी मम्मियों के लिए चॉकलेट की शॉपिंग हो रही है। चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। मीकू तेरे को भी लेनी है किटकैट? मीकू को तो बस यही पसंद है किटकैट, जो कि लेना बंद कर दी क्योंकि भाई ये खा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि कप नूडल्स। कप नूडल्स या मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे हां, मैं तो होल व्हीट स्पेगेटी तो वही खाऊंगी। क्या आइसक्रीम ले ले भाई यार। मैं मजाक कर रहा था, मैं तो ले ही लगा वैसे भी। क्या लेना है तेरे को? अरे अभी वापस आएंगे ना अपन, तो यहाँ से जाते थे ले जाएंगे। मामी सच बता, सच बता, मामी कसम, मामी कसम। अरे आ जाएंगे, इतनी सी छोटी चीज में कसम खाऊं तेरी? भाई झूठ, मुझे पता जिसको भी मुझे वहां पर। मैं आऊंगा रात को 12 बजे। अभी चलो, लेट हो रहा है। स्पेगेटी बनानी है ना, तो पामे जान चीज लेनी पड़ी। अरे कौन है, देख लो मुझ पर अत्याचार होता है ऐसे। चल अभी मम्मी के लिए लेने आए ना, वो ले ले। चल पहले ये देखो आप, ये ओ भाई, अरे भाई बिल तो जान देता भैया, ये काउंट कर लेना यार, इसने खोल लिया। पूछ के बोला भाई, चम्मच कहाँ जाएगी? भाई इसको नहीं दिख रहे कहाँ गए इतनी देर से।
भाई तेरा कुछ करना पड़ेगा भाई, सुन गाड़ी में बैठ जाके, गाड़ी में बैठ के खा रहा हमसे, चल जा यहाँ से। चलो अभी चलते हैं मम्मी के पास। ओहो हो माता जी, अरे पापा कहाँ हैं? अरे सुंदर लग रही है, हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत जोरदार लग रही है, कहाँ से लाई रंग बिरंगी साड़ी? भाई ये प्रिंट चुराओ, अपन को कुर्ती लॉन्च करनी है इसमें। लग रही है ना होली की बेटा। पापा कहाँ हैं? पापा को बुलाओ। अरे पापा कहाँ हैं? आज के दिन भी इनसे भग रहे हैं क्या? उसको बुलाओ, मेन जो आपके यहाँ रहते हैं। अरे वो प्लेयर बोल रहा। तो भाई साहब माचिस लाओ, माचिस उनको बोलो भैया। दादा चला तो एक बार बस, अभी तो पहली ली है। हाँ। आज तो भाई भाई पहले ले ली थी ना 500 रुपए उस दिन की, तो अभी चल रही है 5 दिन का हुए अभी। अरे भाई जान इधर आ जाओ, तुम गिर जाओ इधर उधर। 10 दिन हो गए अभी तो, 5 दिन कहाँ, 5 दिन से ज्यादा हो गए। अरे 2 दिन ही तो हुए, 2 दिन पहले तो आए थे हम। भाई शादी की सालगिरह, गिफ्ट विफ्ट तो लेकर आते हैं आप मम्मी पापा के लिए? हाँ पता नहीं थी उसको, मेरे को क्या पता था। चलो पता ही नहीं। वहाँ से लाना, यूएसए गए थे ना, अमेरिका गए थे ना, अब की बार जाओ तब लेके आना। डॉलर लेना, 1000 डॉलर ठीक है। एकदम खाना खाना, लेकिन गिफ्ट आना। अपने कमरे में चले, उसमें साफ कर दिया इसे। अच्छा वहाँ पर चलेंगे, वहाँ टेबल वगैरह है क्या? कुछ टेबल तो नहीं। फिर क्या नहीं, नहीं, नहीं लाइट तो है। चलो भाई मम्मी पापा वाले रूम में चलते हैं। आ जाओ यही, आ जाओ यही, यहाँ पर सही है, मम्मी पापा का रूम है भाई, इसमें एनिवर्सरी बना दे। अभी तो नहीं, छोटा तो लगता ही है जब ये सब काम होता है ना थोड़ा बहुत। अभी होगा ये क्या बोल रहा है? अगली साल मम्मी, अगली साल यही बेड पे बैठ के काट रही होगी आप? हाँ अभी तो बोल रही ना, अब कैसे काटूंगा मैं? एक वीडियो लेना, इनका ट्रांजिशन बनाऊंगा यहाँ से सीधे ही। ठग रिकॉर्ड ये नहीं फूटते यार, लगाओ लगाओ। ए अरे यार वेरी गुड भानु, कम ऑन देश में, कम ऑन। अरे यार भैया यार, ये गाइस ये हमारे हमेशा का ही है, इसमें नया को तो कुछ है नहीं। यस कम ऑन, फ्री हो गया तो अब वैसे ऐसे ऐसे से कर देने का। यस यस ये, अरे अंकल आने दो, रो बीक उसमें हो गया मतलब। हैप्पी एनिवर्सरी, आंटी खिलाओ अंकल को। मम्मी ने पता क्या करा, केक लिया थोड़ा सा, फिर एक फ्रूट लिया, उसमें मिक्स करके रोटी सब्जी लगा के। और तू क्या कर रहा है? मैं फ्रूट खिला रहा हूँ यार, वरना तू खा जाएगी ना सारे फ्रूट। यार रोज तो कहाँ रहता है यार? सब पार्टी पर आगे। अंकल जाकर मेरा टन कब आएगा? अरे अंकल कोने में कैसे खड़े हो, बाहर ये तो काफी क्या गए? क्या बोल रहे हैं? सबको खा लेने, बाकी तो पूरा मेरा है। आपने गिफ्ट दे दिया पापा को? कब दोगी? कब दोगी? चलो वहीं रख के दिखा देते, वहीं चलते वहीं चलते वहीं चलते वहीं चलते। आ जाओ वहीं, आ जाओ वहीं। मम्मी शॉपिंग करके लाई भाई पापा के लिए, और ये तो अपन को देने भाई। अबे साल में शादी का कार्ड आ गया लखनविया वाला। आप क्या क्या लेके आई दिखाओ? आप दो, आप दो, आप दो। ऐसे ही पकड़ोगे पापा? अरे नहीं निकाल के देओ ना, दिखाओ तो हमें भी तो दिखाओ क्या लेकर आई हो। भाई तो थोक के भाव पैंट शर्ट ले आई हूं। अच्छा अरे वो कार्ड के ऊपर रख दिए। अरे पापा के लिए काफी सारे, 1 2 3 4 5 टी शर्ट, 6 7 8 टी शर्ट। क्या बात है आंटी। हाँ पूरा दे दिया। अरे बस बस बस, हाँ ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। अभी देखो ये पापा की तरफ से देखो, अब आप जितने का पूरा लेकर आई हो ना उतने में पापा ने एक मंगाई है। लो, 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 अब ऐसे देखो 5-7 है, देखो छोड़ दो, छोड़ दो। अब पापा आप निकाल के दो इनमें से, ये बताओ क्या है, क्या ये? क्या ये? क्या ये? ये पोशाक है। हाँ पोशाक, पोशाक के लिए बोल रही थी ना। हाँ। एक नहीं एक और है, दो और है, बहुत सारा है। ये देखो एक और, ये जो आप बोल रही थी ना मनवानी मनवानी है, ये एक और पोशाक। हाँ भाई ये साड़ी है, यहाँ ये भी साड़ी है, ये देखो 1 2 वो आंटी थक गई उठाती उठाती। 3 लाओ दे दो
चार पापा थक गए पापा थक गए। चले इधर अपनी शॉपिंग शॉपिंग ड्रेस हो गई देखो। हाँ यार ये तो तुक्का मैच कर गया बिल्कुल प्रॉपर ही। और हाँ ये आपकी चॉकलेट चॉकलेट ही चॉकलेट है खूब सारी। अरे ये देखो ये बाइक की मिठाई आ गई गुलाब जामुन। बाइक वाले को तो बोलो बाइक वाला देगा भाई दे दे भाई। ठीक है ये आपकी चॉकलेट है और ये सब अभी कैसा लगा? अच्छा लगा। अभी तो ये देखेंगे ये पूरा खोल खोल के अभी मजा आ जाएगा जब ये देखोगे ना आप साड़ियाँ और पोशाक और ये सब चीजें। पापा का तो कोई सिंपल सा है मम्मी देती है पहन के चल देते हैं। तो पापा की पसंद की लाई हूँ सारे कपड़े। आप आपको कैसे पता पापा की पसंद के ये? मैं तो 25 साल हो गई पापा को आंटी कौन से वो है। अरे हाँ कौन से साल 26 26 हाँ। अच्छा हाँ पिछली बार 25 बनाई थी ना। अच्छा लखन की शादी का कार्ड भी आज ही आया है। अच्छा वैसे सारी साड़ियाँ पोशाकें सब यशी की मम्मी सेलेक्ट करके लेकर आई हैं। ये क्या है मम्मी को बोली थी कि मुझे ऐसी ऐसी चाहिए तो मम्मी जाके लिए। अभी लाइव ही एक महीने से पड़ी है आपको पता ही है। एक महीने से पड़ी है। उन्होंने बोला कि भाई एनिवर्सरी पे देना तुम लोग। हाँ एक महीने से रखी हुई थी हमारे पास। हमारे पास भी क्या रखनी उन्हें रखनी नहीं थी। वो बोली बोले तो मैंने इधर उधर कर दोगे। वैसे बात तो सही है इसमें गलत क्या है। एक और गिफ्ट है वो बैग भर के लेके आया हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। वो तो हर 15 दिन में आता है गिफ्ट तो। वैलेंटाइन डे पे कहाँ जाके आई हो आप? सामोस के हनुमान जी। ट्यूसडे का पालन हनुमान जी के साथ भगवान के साथ। तो कल वैलेंटाइन डे पे वहीं थे मम्मी पापा मंदिर। पापा भी गए थे ना। क्या हो गया? मौसम खराब हो रहा है बेटा सर्दी जुखाम वाला हो। तेरा जुखाम होता है ना तो मेरे को डर लगता है। कोई बात नहीं डर के आगे जीत है पकड़ता है। आंटी इसके मतलब क्या सीन? इसके अगर चींटी भी खा जाएगी ना यूं पड़ जाएगा। मम्मी यार अगली बार से ना पापा को छुट्टी कराया करेंगे यार अपन। कहेगी साल में कभी कभार घूमने फिरने जा सके। हाँ तो जाया करो तो करवाया करो। पापा ने कल ही छुट्टी करी थी पूरे दिन की तो। हाँ पापा कंपनी थोड़े नहीं गए थे। अरे कल तो वहाँ गए थे ना लेकिन सामो हाँ, तो वो खुद के काम के लिए तो कर लेते हैं। मैंने बोला था कर लेंगे आंटी घूमने लेकिन वो पापा करते नहीं है। आज नहीं करते। आजकल पापा का ट्रक लाया हुआ बड़ा था तो पापा आज करते भी नहीं। बस वही चीज है ना मैं बोल रहा हूँ काम क्या की नहीं होता वो ट्रक वगैरह कुछ ना कुछ आई जाती है। आपके बोल दिया करो जब करा करो ना उसे एक दो दिन पहले बता दिया के दिन छुट्टी कर ले। उसमें शाम को आ जाएंगे ना स्वागत सब शाम को आ जाएंगे लेकिन पता चला अंकल फैक्ट्री है। अगली बार तो चलो नए मकान बनाएंगे मस्त एनिवर्सरी अच्छे तरीके से लेकिन थोड़ा बहुत घूमना फिरना चालू करेंगे यार। हाँ ठीक है अब पापा को छुट्टी करानी गाइस तुम लोग बोलना अगली बार से ना। हाँ। क्योंकि हमारे को तो भाई वो मेरे को तो बहला दे। अरे भैया हितेश बोले अंकल पार्टी कुछ बोले ही नहीं मैं डर गया अंकल साइलेंट है साइलेंट। अरे उन्होंने सुना ही नहीं होगा। अरे सुना है तीन बार बोल दिया अंकल देव हम तो जाए। नहीं नहीं पापा ध्यान नहीं दिया। हाँ ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ दे रहे ध्यान नहीं दिया। पार्टी कल बोलते ना तुरंत पैसे देते हो। तू बोल देता है भाई तुरंत देते हैं पैसे जेब से निकाल के बोले तुम कर लो लेकिन आता हूं मैं भूल गया। अभी है ना वो ये ना जो यहाँ रहता है मकान पे बड़े साहब जी आगे बड़े साहब जी मन की ये तो बेटा है उनका पापा है पापा है 2 सेकंड लगाए 500 रुपए निकाल के देते। हाँ बस वैसे आके बोलते हैं अरे बड़े साहब जी तीसरे चौथे दिन है ना 500 रुपए और गाड़ी भी धो देंगे तो निकाल देंगे। और मैं मांगती रह जाऊंगी तो मेरे को 100 रुपए भी नहीं टिका है। मेरे से कहते घर वाले सच में ऐसे ही करते। चलो बाय जाते हैं भाई। फागु सब का हमारा बोर्ड लग चुका है फागु सब की तैयारी चालू है। चलो अंकल आंटी को भी चॉकलेट्स वगैरह दी जाए। भाई आंटी तो वहाँ बैठी है मास्क लग रहे हैं उनके। भाई मम्मी तो क्या ही लग रही थी डर गई मैं। और हमारा बेचारे अंकल को जो बक्से पे पटक दिया। क्या कर रही है तो बताओ तो पार्लर वाली आई हुई है भाई रात को 10 बजे पार्लर वाली 10 नहीं भाई 10:30 बज रही है। अरे तू देख ले भाई मैं तो बहुत व्हाइट वो लोवर को यहाँ चुटली बना रखी इतनी फनी लग रही थी। देख के आई क्या तू अभी? हाँ देख आई। ये लो अंकल चलो मम्मी की तरफ से पार्टी आप लोग के लिए। ओहो ये क्या भाई ये मिठाई है मिठाई चॉकलेट आइसक्रीम्स खाओ आप कोल्ड ड्रिंक्स और अंदर आने को पता सुबह क्या होते थे यार खानू छत पर डेकोरेशन तो बढ़िया किया था अपन वहाँ पे कॉकटेल पार्टी करते हैं। यार एक बात मैंने तेरे को गुपचुप बोला था सबके सामने ओपन कर। अरे ये तो आपने वैलेंटाइन डे नहीं बनाया? वैलेंटाइन डे नहीं पहले अपन प्लान करते फिर बताते इनको यार। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ वैलेंटाइन डे नहीं बनाया कल? नहीं बनाया गुपचुप पे बनाया था। एक आध फूल वूल तो दे दे एक आध फूल वूल तो दे दे आंटी को यार कल के दिन तो तुम्हें थोड़ी बताऊंगा। ओह
चुपचाप बना लिए। ये चीजें यार सही बात है। ये जो बक्से ना मेरी नानी के दिए हुए हैं, समझ में आई? बचपन से मैं इन्हीं पे सोई हूँ, नानी के भी मैं इन्हीं पे सोती थी, समझ आया? तो बेड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते तुम लोग? नहीं करते भाई, बढ़िया। मुझे एक बात बता, ये बक्से है ना, अब इनको रखो अलग, फिर बेड और ना उसको अलग रखो, फिर उसमें बिछाओ, फिर इनके ऊपर बिछा के सो जाओ। सही बात है भाई, ये भाई मिडिल क्लास की होती है, दिमाग की बात और क्या, मिडिल क्लास की जुगाड़। पहले ऐसे मतलब एक पलंग आता है ना, हाँ। दो पलंग होते हैं, एक छोटा वाला था, हाँ। तो ऐसे लगा हुआ था हमारी एक तख्त, जब मैं उसपे सोता था ना रात को गिर जाता था। और हमारे गांव में कैसा था, तो मैं उसपे सोया बहुत टाइम, बाद उसपे कोई सोता था, सोया तो है ना सुबह देखा तो बीच में पिचक गया है वो। जो आप समझ गया, तो कोई नहीं सोचा था क्यों। पता क्या सीन है, क्या बोलते हैं, हम लोग कभी नहीं गिरे, मैं तो एक ही पोजीशन लड़का तो सो सकती है ना, लड़की भाई हम तो गिर जाए भाई, मैं तो पता नहीं कहां मिलूं रोड पे, यहाँ छोटा भी नहीं गिरी। चलो अंकल आंटी तो आएंगे नहीं बाहर दो तीन घंटे तक, अब अंदर चलते हैं। ओके बाय। तुम्हारे को ठंड नहीं लग रही? ठंड है कहाँ, तो गर्मी होगी भाई। तो ठंड लग रही? बिल्कुल भी नहीं लग रही। मैं तो अभी यहाँ लेटा हुआ था, तो मेरे को एकदम से ठंड लगी जब तुम्हें कंबल ओढ़ा। आपको तो वैसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, गर्मी में भी कूलर नहीं चलाते भाई, भरी गर्मी में भाई। तू सोच तो भरी गर्मी में जो कूलर नहीं चलाए तो कहाँ से ठंड लगेगी, कहाँ से गर्मी लगेगी इंसान को। लेटा हुआ था भाई। अंकल ये क्या लेके आयो? सब्जी आ जाओ, चलो तो ऊपर आपके सब्जी बनाने के बाद ही खाऊंगी मैं, रात में चावल खाऊं चाहे वो ऊपर से डालेंगे। आ जाओ क्या हो गया यार भाई? एक चीज़ केक कटा सबने खा लिया, हाँ। उसके बाद फुल बचा, फुल हाँ। मैंने थोड़ा थोड़ा सा खाया था, उसके बाद अनुज के हाथ में गया, उसके बाद गायब हो गया, ना तो उसके दोस्तों ने ना खाया ना मैंने देखा ही नहीं। मैंने उसे चार बार पूछा भी, बताया भी नहीं है। लो आपकी इम्पोर्टेंट बात भी बताओ। अरे बता रहे क्या, इंटरेस्ट नहीं है किसी को। अब टीपू भाई आज बना रहे हैं दही फ्राई, दही सोट, दही फ्राई बोलते हैं, दही सोट। कितने जने खाना बना रहे हैं? ये चल रहा है, डालो टिपो, ये डालो डालो। वेरी गुड टिपो भैया, बस बस। अरे तुम मत बताओ, उनको आता है, तेज से ज्यादा आता है, ठीक है भाई। छीट लग जाएंगे साइड। अच्छा गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।